नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करियर पॉइंट शिक्षा लोजी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 19 अगस्त है और आज हम लेके आए हैं फिर से आज की दोनों शिफ्ट का, चूँकि आज दो शिफ्ट थी मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की, दोनों शिफ्ट के कुछ बेहतरीन से प्रश्न जिनसे आपको आगामी जो शिफ्टों में पेपर होना है उनमें आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कल ही, अगर आप कल का वीडियो मेरा चेक करेंगे इसी प्लेलिस्ट में, अगर आप देखेंगे कि कल ही हमने बताया था कि एस आकार वाला महासागर परीक्षा में आएगा और शायद कल ही आ जाए, तो साथियों आज की शायद पहली ही शिफ्ट में एस आकृति वाला महासागर पूछ लिया गया है। कहीं ना कहीं चेन कंटिन्यू चल रही है 12 अगस्त से, जिस पैटर्न पे परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वही प्रश्न कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं या उन्हीं टॉपिकों में से रिपीट हो रहे हैं। इसलिए भी ये क्वेश्चंस का एनालिसिस देखना, क्वेश्चंस के रिव्यूज़ देखना या क्वेश्चनों को देखना आपके लिए ज़रूरी बनता है अगर आपका आगामी समय में पेपर है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा देर ना करते हैं। 19 अगस्त आज की पहली शिफ्ट जो कि 12:30 से 2:30 बजे तक थी, उसके कुछ प्रश्नों की बात करता हूँ। पहला प्रश्न यहाँ आपको दिख रहा है और मेरे ख्याल से आप लोगों ने सही भी किया जिनका आज पेपर होगा, दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित की गई थी, तो कब की गई थी साथियों, 1912 में की गई थी। 11 में घोषणा हुई थी, दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था जिसमें कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी और 1912 में दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली राजधानी को ट्रांसफर किया गया था। जीडीपी से प्रश्न आ रहे हैं, जीडीपी से दो प्रश्न आए हैं। जीडीपी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, साथ ही सकल घरेलू अनुपात, इसको हम सकल घरेलू उत्पाद इसको हम बोलते हैं हिंदी में। वही बात करें जीडीपी से दो प्रश्न थे, इसको आप पढ़ गए रेपो रेट। साथियों कुछ चीजें लिख रहा हूं, वो टर्म लिख रहा हूं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ये चीज़ें आप डेफिनेटली पढ़ के जाएँ। ये इकोनॉमिक्स की टर्म है चारों की चारों, इनको आप पढ़ के जाएँ। राष्ट्रीय आय होती है, ये नेशनल इनकम होती है, आप इसको पढ़ के जाएँ। वहीं रेपो रेट की बात करें तो बैंकिंग टर्म है, कुछ बैंकिंग टर्म को आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, बैंक रेट कितना है पूछा जा रहा है। बैंक रेट के बाद में अगर देखा जाए कि रेपो रेट पूछा जा रहा है, रिवर्स रेपो रेट पूछा जा रहा है परीक्षाओं में प्रतिदिन की, इसके अलावा रिवर्स रेपो पूछा जा रहा है, MSF पूछा जा रहा है, या ये पूछे जा सकते हैं, इनको आप कंप्लीट करके आइएगा। इसके साथ साथ CRR और SLR भी देखिएगा, ये आपके इकोनॉमिक्स की बैंकिंग की टर्म है, इनको भी आप बढ़िया तरीके से देख के आइएगा। सरहुल उत्सव आया है और साथियों उत्सव और त्यौहार आने शुरू हो गए हैं, नृत्य जो है शास्त्रीय उनका जो माहौल है शायद थम सा गया है, एक आध प्रश्न पूछा गया था हालांकि थम सा गया है, मगर उत्सव और त्यौहार अब मध्य प्रदेश की पुलिस की परीक्षा में आने शुरू हो गए हैं। आज भी कम से कम 3 या 4 प्रश्न उत्सव और त्यौहारों से आए थे। तो भारत के प्रमुख उत्सव और त्यौहार, और यहीं के इसी के साथ मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि कल सुबह दस बजे भारत के प्रमुख त्यौहारों और उत्सवों में से उत्सवों का एक बेहतरीन सा लेक्चर, बेहतरीन सा वीडियो कल हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डल जाएगा, अपलोड हो जाएगा, आप उसको निश्चिंत देखिए। और डेफिनेटली 2 से 3 प्रश्न आपके हर आने वाली शिफ्टों के जो एग्जाम्स होंगे उसमें उनमें से आएंगे, इस चीज़ की मेरी गारंटी है साथियों, क्योंकि आ रहे हैं, एक चेन चल रही है। देखिए मैं अभी आपको कुछ प्रश्न बताऊंगा और डेफिनेटली आप कहेंगे। तो सबसे पहले तो सरहुल उत्सव, मुड़िया जनजाति होती है, जनजाति का उत्सव है, याद रखिएगा, ये झारखंड में है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए ये दूसरा त्यौहार आ गया है पोंगल, आपको पता है पोंगल के तीसरे दिन किसकी पूजा की जाती है, मतलब यहां पे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, एक सामान्य सा प्रश्न ही है कि पोंगल किस राज्य से संबंधित है, यहां पूछा गया है पोंगल के तीसरे दिन किसकी पूजा की जाती है। मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा कल एक शानदार सा लेक्चर, शानदार सा वीडियो कल सुबह 10 बजे आएगा, यानी कि 20 अगस्त 2023 को सुबह 10 बजे कल हम मध्य भारतवर्ष के प्रमुख त्यौहार और उत्सवों का वीडियो लेकर आ रहे हैं, उसको पूरा कंप्लीट देखिएगा, उसमें हम भारत के सभी राज्यों के उत्सव और त्यौहारों को कंप्लीट करेंगे, उसको जरूर देखेगा। और उसमें जैसे मैं आपको बता रहा हूं पोंगल में 4 दिन तक पूजा होती है, 4 दिन में सबसे पहले इंद्रदेव की पूजा होती है, दूसरे दिन सूर्यदेव की पूजा होती है, तीसरे दिन बेल की पूजा होती है और चौथे दिन जो कन्याएं होती हैं उनकी पूजा होती है, यूं कहें कि जो महिलाएं और कन्याएं होती है वो रंगोली वगैरह बनाती है, इसको उत्सव के रूप में मनाते हैं, पोंगल होता है। तो याद रखिएगा बेल की पूजा होती है, कल वीडियो आ रहा है इस चीज का याद रखिएगा। अगला है खेरा रोग किस फसल से संबंधित है साथियों, तो किससे है, ये चावल से रिलेटेड होता है, याद रखिएगा। पनडुब्बी में देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यह भी प्रश्न पूछा गया था, मुझे आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। आगे बढ़ता हूं, एस आकृति वाला महासागर कौन सा है, तो साथियों जैसा कि कल ही मैंने बताया वीडियो में, कल ही बोला था ये, अगर कल का वीडियो मेरा देखेंगे शाम को 8 से 9 बजे के बीच में डला होगा, अगर आप वो देखेंगे तो आप ये मानेंगे कि हाँ मैंने ताल ठोक के कहा था कि एस आकृति वाला महासागर पूछा जाएगा डेफिनेटली, और ये पूछा भी गया है, कौन सा है, अटलांटिक महासागर।
गोल आकृति वाला पूछा जा चुका है, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज आकृति वाला पूछा जा चुका है, और ये फाइनली अंततः एस आकृति वाला भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। तो इन वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है। अभी तो मैं तो यही कहूँगा, घूमर उत्सव ये राजस्थान से रिलेटेड है। देखिए उत्सव और त्यौहार मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, प्रश्न आ रहे हैं आ रहे हैं। 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग, ये वायसराय थे, या यूँ कहें कि 1857 की क्रांति के समय ये गवर्नर जनरल थे। 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आया था, और ये क्या बन गए थे? भारतवर्ष के पहले वायसराय बन गए थे, याद रखिएगा। तो के समय के बाद कह सकते हैं वायसराय लॉर्ड कैनिंग। मैंने मौखिक रूप से कह के इस प्रश्न को करेक्ट कर दिया, याद रखिएगा। अमरबेल क्या है? सोपोशी है अमरबेल, याद रखिएगा। इमोर्टल्स या अमर जीव भी कहते हैं। प्रजनन तंत्र से संबंधित एक प्रश्न था, वनों के प्रकारों से भी संबंधित एक प्रश्न था। आगे बढ़ जाते हैं, मांसपेशियों से मसल्स से एक क्वेश्चन था, याद रखिएगा इस शिफ्ट में। राजकोषीय घाटा जिसको हम लोग फिस्कल डिफिसिट बोलते हैं, इससे भी एक प्रश्न आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय से संबंधित कोई एक प्रश्न था, शायद कोई व्यक्ति था जो यहां आया था, ऐसा कुछ प्रश्न था, मुझे सही से पता नहीं चला है। बाकी रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराना है, याद रखिएगा। ये जो है कि गायक थे, शास्त्रीय गायक थे रतन मोहन शर्मा जी, और ये मेवाती घराने से रिलेटेड थे। अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है? साथियों अशोक चक्र जो शांतिकाल होता है उसमें, अगर आपने कोई वीरता का काम किया होता है तो शांतिकाल में ये दिया जाता है अशोक चक्र, याद रखिएगा वीरता के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकेंड शिफ्ट, आज की जो सेकेंड शिफ्ट हुई है शाम को 4:30 से 6:30 के बीच, इसके कुछ एक प्रश्न हमारे हाथ लगे हैं। देखिए क्या है, 2020 की GDP, मतलब GDP से प्रश्न आ रहे हैं, मगर पुराने भी प्रश्न आ रहे हैं, साल भर डेढ़ साल भर पुराने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। 2020 की GDP पूछी है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से प्रश्न पूछे गए हैं। सतपुड़ा आपको पता है तीन भागों में बटी हुई है, तीन भाग कौन कौन से हैं? राजपिपला की पहाड़ियाँ हैं, महादेव पहाड़ियाँ हैं, और मेकाल श्रेणी है, तीन श्रेणियाँ हैं। ये तीन श्रेणियों में से यहाँ जो महादेव है इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो कि हमारे पंचमढ़ी होशंगाबाद में है। तो ये तमाम चीज़ें हैं गुजरात से लेके तो छत्तीसगढ़ तक ये पर्वत श्रेणी जो है फैली हुई है। तो इससे एक प्रश्न आया था, जो भी आया वो देखिएगा। असम का त्यौहार, जैसा कि मैंने कहा त्यौहार और उत्सव से प्रश्न आना शुरू हो गए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। असम का एक त्यौहार पूछा गया था, नागालैंड के त्यौहार से एक प्रश्न आया था, ये सेकेंड शिफ्ट की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। और BCG का टीका किसके लिए लगता है? तो आपको शायद पता होगा, TB के लिए ये टीका लगाया जाता है, TB की बीमारी से जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं या क्षय रोग बोलते हैं, उसको रोकने के लिए यह टीका लगाया जाता है। तो साथियों आज की शिफ्ट के ये प्रश्न थे, इन टॉपिकों का अगर आप, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कल अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, परसों आपका पेपर है, नरसों आपका पेपर है, तो इन टॉपिकों को तो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ के जाएं। और जैसा कि मैंने कहा कि रिपीट भी प्रश्न हो रहे हैं, कल भी कुछ प्रश्न थे जो पेपर और पिछले दिनों के थे वो रिपीट हो रहे हैं, तो इन टॉपिकों को ज़्यादा बेहतर तरीके से करके आएँ। गणित में और रीजनिंग की अगर बात करें, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आना शुरू हो गई है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। CI SI के टॉपिक वही के वहीं आ रहे हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं आपसे, तो रीजनिंग में भी सामान्य प्रश्न ही आ रहे हैं, ज़्यादा टफ लेवल के प्रश्न ही आ रहे हैं। 74, 75, 76 जो नंबर हैं, 74, 75, 76 सामान्य पढ़ने वाले के ये नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का कट ऑफ बढ़ने वाला है, पहली तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि टोटली अब इसका जो मैटर है वो डिपेंड करेगा काफ़ी हद तक फिजिकल के नंबरों पर भी। तो फिजिकल पे भी ध्यान देते रहिए, क्योंकि फिजिकल भी कहीं ना कहीं आपको मेरिट में लाने का एक महत्वपूर्ण स्थान तय करेगा। धन्यवाद।